सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं लाइव ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड थैंक यू आप सभी लोगों को जो सपोर्ट था हमारे लास्ट वाले वीडियो पे उसके लिए। एंड आप लोग ने जो बोला कि हाँ आपका थॉट्स पसंद आया हमको, तो उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने रहन भाई के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने और मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने एक फ्रेंड सर्कल में ऐसे एक एपिसोड लाए आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम आपके दिए हुए टॉपिक्स पे अपने जो फीलिंग्स रहते हैं या फिर अपने जो थॉट्स रहते हैं वो शेयर करेंगे। तो हो सकता है इसी महीने के एंड तक ये सीरीज़ आपको देखने को मिल जाए। और अब हम पोकेमोन के वीडियोस में ऐसा नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अपने वेपोरियन के स्टार्ट्स आपको दिखाए। मैं गेम सेंटर से थोड़ा ख़रीद के चीज़ें जो भी पैसे रहते हैं वहाँ से TM30 वो लेके आया और उसको यूज़ किया है। जो आइस बीम रहता है उसको मैंने सिखाया और दूसरी चीज़ें भी ज़रा खरीदे, उसके लिए ज़रा मेहनत करनी पड़ी है और हमारे कॉइन्स थोड़े कम हो गए। तो इस टावर की मैं स्टोरी बताना चाहूँगा आप लोगों को शॉर्ट में। इस टावर में क्या होता है, जो मेरोवैक रहती है, क्यूबोन की मॉम रहती है मेरोवैक, तो उसको टीम रॉकेट मार देती है और उसकी आत्मा इस टावर में रहती है। तो हमको वहाँ के जो टीम रॉकेट रहती है उनको हराना रहता है। फिर वो एक सिल्क स्कोप करके कोई एक डिवाइस का नाम है, कुछ ऐसा ही नाम है, वो देती है। एंड उसके बाद ही आप उसको उसके रियल फॉर्म को देख पाओगे, वरना वो गोश्त आपके पोकेमोन्स को डराती रहेगी और आप उससे आगे नहीं जा पाते। तो इसलिए हम लोग पहले वहाँ पर जाके जो टीम रॉकेट है उनको हरा के जो डिवाइस था वो लेके आए। और अभी यहाँ पे हम लोग अभी उस घोस्ट का जो रियल आइडेंटिटी है वो देख पाएंगे, तो इसलिए वो डिवाइस यहाँ पे ज़रूरी है। यहाँ पे जो है, जो हमारा राइवल रहता है यानी कि रहन भाई, उनका भी एक पोकेमोन डेथ हो गया आई गेस, जो रैटिटा था उनका, क्योंकि मुझे बैटल के दौरान रैटिटा देखने को नहीं मिला था आई गेस। शायद उनका रैटिटा डेथ हो गया और फिर वो यहाँ पर देखने के लिए लाए। मैं ये रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ रैटिटा का, क्योंकि जो ये है अभी तक तो रैटिटा देखने को नहीं मिला, लेकिन जो हमारा वो जो पोकेमोन नहीं, वो नाम मैं भूल गया हूँ, एक सेकेंड मुझे याद आना, फायर रेड भी था जो पोकेमोन रेड एडवेंचर चैप्टर कुछ ऐसा था आई गेस। उसमें आई गेस नहीं, उसमें दिखाया था कि जो हमारा राइवल रहता है वो अपने रैटिटा को दफनाने आता है। तो मैं इसलिए उस रेफरेंस को यहाँ पे भी ले रहा हूँ, तो हो सकता है पोकेमोन वालों ने उसी रेफरेंस को यहाँ पे भी डाला हो और आगे चल के वहाँ पे वो एकदम दिखाया गया, ऐड किया गया हो, यहाँ पे इनडायरेक्टली रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे हम बहुत ही क्लोज है रहन भाई से जीतने के लिए और ये शायद हमारी थर्ड राइवल बैटल होने वाली है। आज मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे गले में थोड़ी सी खराश है और थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों, लेकिन सुबह से है। तो यहाँ पे हम टावर पे आगे बढ़ने वाले हैं और ये जो ट्रेनर्स रहते हैं मुझे इन पे थोड़ा डाउट है, लेकिन नहीं किया उसने बैटल, बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ एक कट लूँ और ये जो टावर का रास्ता है बहुत ईजी, आप लोग आराम से जा पाओगे, तो एक कट लेता हूँ और जो मेरोवैक है उसके साथ बैटल करते हुए आप लोगों से मिलूंगा। मैंने कुछ सुपर रपेल लिए, पहले वो ढूंढ लूँ मैं, एंड सुपर रपेल यूज़ करने के बाद मैं एक कट लूँगा और फिर आप लोगों को मेरोवैक से फाइट करते हुए दिखूँगा। एक काम करता हूँ, अभी एक कट लेता हूँ, तो 1 2 3। सो गाइस, जब आप यहाँ पे आओगे तो क्यूबोन के मॉम के साथ आपको ये फाइट होगी। स्टार्टिंग में ये घोस रहता है, लेकिन स्किल्स जो सिल्क स्कोप है उसकी वजह से हमें इसका जो ट्रू फॉर्म है वो देखने मिलता है और उसके बाद ही हम बैटल कर पाते हैं। तो इसलिए आपको पहले सिल्क स्कोप लेना पड़ता है। मैं बैटल करके आप लोगों से सीधा मिस्टर फूजी के पास मिलता हूँ, तो 1 2 3। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे टीम रॉकेट के मेंबर्स थे, तो मैंने उन्हें हरा दिया है और सीधा हम मिस्टर फूजी से बात करने वाले। ये हमें अभी पोकेमोन की जो फ्लूट रहती है जिससे पोकेमोन उठ जाते हैं वो देंगे। तो ब्रिज पे एक स्नोरलैक्स रहता है, उसे हम उठा के फिर हम आगे बढ़ पाएंगे और नेक्स्ट जिम की तरफ हेड कर पाएंगे, जहाँ पे पोकेमोन सफारी आएगी। तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ उन चीज़ों के लिए। एंड आज का ये एपिसोड थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन हाँ आप लोगों को इससे बेयर करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट अगर चीज़ मैं इधर डालता तो वो और लंबा हो जाता और आपको लंबे एपिसोड पसंद नहीं। तो यह गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।